Hello students, today we are going to discuss the most important topic of every competition exam, time and work, kaam aur samay. Chahe SSC ka exam ho, chahe bank ka koi exam ho, ya HSC ka koi exam ho, या UPSC IAS का एग्जाम हो, UPSC में CSET में भी ये क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क से रहता ही रहता है. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. इस चैप्टर को आप कंपटीशन एग्जाम के लिए कभी भी नहीं ड्रॉप कर सकते हो. SSC बैंक में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेंगे ही रहेंगे. हरियाणा के एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. टॉपिक में कंसेप्ट सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन क्वेश्चन के टाइप बहुत ज़्यादा हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टाइम एंड वर्क, काम और समय. लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट. एक्चुअली अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. देखिए पहले हम बेसिक्स जाते हैं, फिर उसी से बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, कैसे आगे गेम प्रोग्रेस क्वेश्चन पे लगाएंगे, कैसे आप फॉर्मूला की एप्लीकेशन देखेंगे. देखिए देर आर 2 पर्संस ए एंड बी. ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है अगर वो अलग अलग करें. ए कैन डू इन 10 डेज अलोन, बी कैन डू इन 15 डेज अलोन. इन हाउ मैनी डेज बोथ will do if they together do the work. अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ये नहीं है भाई 10+15 में कर देंगे. दोनों मिलके काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है दिन कम ही लेंगे. एक बेसिक सा मेथड है. अब वर्क को चाहे 1 अज्यूम कर लो चाहे 2 अज्यूम कर लो. मान लीजिए वर्क 1 है, टोटल वर्क अज्यूम किया कितना 1, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10. बी का 1 दिन का काम 1/15. दोनों का 1 दिन का काम ये हो जाएगा. एलसीएम लेते हैं 30, 3+2, दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6. अगर वो 1 दिन में 1/6 काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे? 6 दिन में. ये बेसिक अप्रोच है जो हम 7th या 8th क्लास में करते थे, बट हम इसको भी फॉलो नहीं करेंगे. अब जैसे मैंने कहा वर्क को आप कुछ भी अज्यूम कीजिए, ए जो काम करता है वही बी काम करता है. तो मान लेते हैं जो टाइम है 10 और 15, आप वर्क को 1 अज्यूम कीजिए, 2 अज्यूम कीजिए, 3 अज्यूम कीजिए, एक्स अज्यूम कीजिए, आंसर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. अब जो 10 और 15 का एलसीएम है, आपको भी एलसीएम लेना सिखाएंगे. अज्यूम द वर्क टू बी द एलसीएम ऑफ टाइम. मान लीजिए 10 और 15 का एलसीएम 30 है, दोनों 30 चेयर बनाते हैं या 30 पेन बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, दोनों कितनी चेयर बनाते हैं 30. इसको भी 30 चेयर बनानी है और बी को भी 30 चेयर बनानी है. ये 10 दिन में 30 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 3. ये 15 दिन में 30 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 2. दोनों एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 5. टोटल चेयर कितनी बनानी? 30. तो दोनों मिलकर कितने दिन में बना देंगे? 6 दिन में. वेरी इजी. इसी को हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस इन द फॉर्मूला अप्रोच. वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी. वर्क है काम, टाइम है समय. ई एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता, कार्य करने की क्षमता. अब देखिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो यूज करेंगे एलसीएम मेथड. एलसीएम मेथड और इसी का दूसरा नाम है ट्रायंगल मेथड, क्योंकि ये जो शेप दिखाई दे रही है ट्रायंगल की तरह है. अब इस मेथड में क्या करना है? सबसे पहला काम करना है जो वर्क है वो आपको एलसीएम ऑफ टाइम, जो भी टाइम आपके पास गिवन है वो अज्यूम करना है. वर्क यहाँ पर टाइम कितना था? 10 और 15. और यहाँ पर हम इस मेथड में क्या लिखेंगे? टाइम. और जो वर्क अज्यूम करेंगे वो लिखेंगे यहाँ. ये वर्क क्या होगा? हमेशा एलसीएम ऑफ टाइम. तो यहाँ वर्क कितना अज्यूम किया हमने? 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30.
आप 60 भी ले सकते हो, एलसीएम का मतलब तो सही कर दे, लेकिन आप एलसीएम ही लेना, ठीक है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी को समझते हैं थोड़ा, सेकंड बात एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज द पर यूनिट टाइम्स वर्क, मींस पर यूनिट टाइम अगर दिनों की बात करते हो तो एक दिन का काम, घंटे की बात करते हो तो एक घंटे का काम, सेकंडों की बात करते हो तो एक सेकंड का काम। तो दिनों की बात हो रही है 10 और 15 दिन में, तो एक दिन का काम कितना इसका 3, तो 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी प्लस भी हो सकती है अगर वर्क पॉजिटिव है, और माइनस भी हो सकती है अगर वर्क नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो दीवार को बना रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या लेंगे, प्लस। एक सेकेंड बंदा है जो दीवार को गिरा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या लेंगे, माइनस। इसी प्रकार पाइप सिस्टम ने एक पाइप टंकी को भर रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, प्लस। दूसरा पाइप टंकी को खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, माइनस। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अब वर्क है 30, अब दोनों के मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो आंसर कितना जाएगा डायरेक्ट 6। अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आई अगेन रिपीट द बेसिक कंसेप्ट। पहला स्टेप है वर्क को ज्यूम कीजिए, एलसीएम ऑफ द टाइम। सेकेंड है उनकी एफिशिएंसीज निकालिए, एफिशिएंसी कैसे जाएगी वर्क अपॉन टाइम, और एफिशिएंसी जुड़ भी जाएगी और माइनस भी हो जाएगी। अब टोटल पूछा है टोटल कितने दिनों में कर देंगे, टोटल वर्क 30 है, एफिशिएंसी 5 है, तो कितने दिनों में कर देंगे, 30/5 6 डेज में। दिस इज द कंसेप्ट। मोर देन 80% क्वेश्चन डिपेंड ओनली ऑन दिस कंसेप्ट। स्टूडेंट्स लेट्स सी How to find LCM very very quickly. For example, there are two numbers, three numbers see 10, 15 and 20, and you have to find the LCM. Choose the largest number, then see both number are dividing, 10 is dividing, 15 se to bhag nahi ja raha hai. देन मल्टीप्लाई दिस बाई 2, 40, 40 से 10 तो भाग जा रहा, 15 तो नहीं जा रहा, अभी भी काम नहीं चलेगा। देन मल्टीप्लाई बाई 3, अब 60 से 15 भी भाग जा रहा है और 10 भी एक्यूरेट कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों नंबर का, 60। सबसे पहले बड़ा नंबर चूज करो, उसको देखो बाकी नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो वही एलसीएम है, फिर देखो नहीं डिवाइड करे 2 से गुना करो, फिर चेक करो, फिर 3 से गुना करो, इसी प्रकार आप चेक करते जाओ। वो खुद तो डिवाइड करेगा ही करेगा, उसी के हम मल्टीपल ले रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 8, 9 and 12, हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। सबसे बड़ा नंबर चूज किया 12 से डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई बाय 2 किया 24 से 8 तो डिवाइड कर रहा है, 9 तो नहीं डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 3, 36 से 9 भी डिवाइड कर रहा है एक्यूरेटली और 8 भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। वेरी वेरी इजी टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी नंबर। होप यू गेट माय पॉइंट। फॉर द लार्जर नंबर इन द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। यू ऑल मस्ट नो वन मोर कंसेप्ट, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमेटर। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 3 इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1। एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का क्या निकाल दोगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। ओके, इसी प्रकार अगर आपको निकालना होता एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या हो जाता, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
जिसका निकालना है एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ डिनोमिनेटर का, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर का निकाल दो। सी वन एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 9 by 2, 8 and 9 by 2, बोथ आर दिस फ्रैक्शन, दिस डिनोमिनेटर 1, फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दोगे, 8 और 9 का एलसीएम कितना 72, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 और 2 में हाईएस्ट कॉमन का 1, तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। अगर आपको इसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता, 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कितना 1, 1 और 2 डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना 1 by 2, तो इसी फ्रैक्शन का, इन दोनों फ्रैक्शन का एचसीएफ कितना होता 1 by 2। अगर एलसीएम का फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, अगर एचसीएफ का फ्रैक्शन निकालना है न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, इट विल बी वेरी यूजफुल इन ऑल द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली वर्किंग अलोन, अगर वो अलग अलग काम करें तो 10 और 15 दिन लेते हैं, देन इन हाउ मैनी डेज दे विल फिनिश द वर्क वर्किंग टूगेदर, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिल कितने दिन में कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ए 10 बी 15, ये क्या आएगा टाइम, टाइम का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना 30, 30 को क्या माना हमने वर्क, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो ए की एफिशिएंसी 30 डिवाइडेड बाय 10 3, बी की एफिशिएंसी 2, अब पूछ रहा कितने टाइम में कर देंगे दोनों मिलके कितने टाइम में कर देंगे वर्क डिवाइडेड बाई द एफिशियंसी ऑफ बोथ, वर्क इज सेम 30, एफिशियंसी ऑफ बोथ इज 5, हाउ मेनी डेज दे विल टेक 6 days बाई वर्किंग टूगेदर, फर्स्ट टेक द वर्क एज द एलसीएम ऑफ द टाइम, देन फाइंड देयर इंडिविजुअल एफिशियंसी, देन गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, कोई भी नया क्वेश्चन आए उससे पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए उसका, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर, वो कह रहा है ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में करता है किसी कार्य को, उसी कार्य को तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, सेम फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, ए बी सी, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, पहला काम इन तीनों का एलसीएम को वर्क अज्यूम करेंगे, 12 15 और 20 का एलसीएम वी हैव टू फाइंड, चूज द लार्जेस्ट नंबर इज 20, नॉट डिवाइडिंग 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, नॉट डिवाइडिंग 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, ऑल आर डिवाइडिंग टू एलसीएम इज 60, दिस इज द अज्यूम्ड वर्क, एफिशियंसी ऑफ ए, एफिशियंसी इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज 60, टाइम इज 12, एफिशियंसी इज 5, बीज एफिशियंसी इज 60 डिवाइडेड बाई 15 4, सीज एफिशियंसी इज 60 डिवाइडेड बाई 23। नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे वर्क, टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ऑल द थ्री, वर्क इज सेम 60, एफिशिएंसी ऑफ ऑल द थ्री 5 plus 4 plus 3 12, आंसर इज 5 days, तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे 5 दिन में। सबसे पहला स्टेप वही, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो भी टाइम है यहाँ पे ट्रायंगल मेथड में क्या लिखेंगे, टाइम है 12, 15 और 20, इनका एलसीएम को वर्क अज्यूम किया 60 को, इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड की, फिर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, क्वेश्चन ने पूछा कि तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, टोटल वर्क तो वही रहना है,
60 ही काम करना है, 60 तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी 12, तो कितने दिन में कर देंगे तीनों मिलके एक दिन में। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम, तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर देंगे, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे 5 दिन, 5 इज द करेक्ट। सी वन मोर क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज, ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 54 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 72 डेज, इन हाउ मैनी डेज ऑल द थ्री टूगेदर कैन डू द होल वर्क, ए अकेला 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुए, नंबर थोड़े बड़े थे, तो इसमें हमें एलसीएम लेने में ही दिक्कत आएगी, इतने बड़े नंबर है, बड़ा नंबर चूज करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर नॉट एबल। तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, ब्रेक दिस इन पार्ट, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 18 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज 18 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, व्हाट टू चूज हेयर एलसीएम, कॉमन इज 18 इज द पार्ट ऑफ होल, तो 18 आई विल टेक। नाउ इन बिटवीन 2 एंड 4 बोथ आर डिवाइडिंग बाई 4, बोथ विल डिवाइड 4, दोनों 4 को भाग कर देंगे ना, तो 4 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, रिमेनिंग 3, जस्ट लाइक दैट। अब इसको 36 से नहीं, 18 गुना 2 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा 6, इसको 18 गुना 3 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा 4, इसको 18 गुना 4 से भाग करेंगे कितना बच जाएगा 4, क्लियर। तो तीनों मिलके टोटल वर्क क्या लेंगे, टाइम पूछा है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ऑल द थ्री, वर्क ऐसे ही ओपन रहने देना, मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है, ओके। एफिशिएंसी ऑफ ऑल द थ्री, 6 प्लस 4 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 13, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट कटिंग आउट, तो आंसर इज 18 चौक 72, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 216 बटे 13, तो आंसर इज दिस, और यू कैन ऑल्सो डू इन पार्ट, डिवाइड दिस इन पार्ट। तो फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट ब्रेक दिस इन पार्ट, द क्वेश्चन विल बिकम वेरी वेरी इजी, जस्ट लाइक दैट। सी वन मोर क्वेश्चन, इफ यू विल ग्रैब द बेसिक इन फ्यूचर इन द लॉन्ग क्वेश्चन देर इज नो प्रॉब्लम। सी द क्वेश्चन, A can do the work in 11 days. B can do the work in 7 integer 1 by 3 or 7 se 1 bata 3 or I can say 72 by 3 days. In how many days both will do the whole work? Ab bachchon ke samne pareshani kya rahi, inka LCM kaise le? Abhi LCM ke bare mein sikhaya tha, jab fraction ka LCM lena ho, dono fraction mein hai, तो न्यूमरेटर का क्या लेंगे, एलसीएम, न्यूमरेटर का 11 और 22 का एलसीएम कितना 22, डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका 3, एचसीएफ 1 और 3 का एचसीएफ कितना 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 22 ही आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए 22 डिवाइडेड बाय 11, 22 को 11 से भाग करें कितना 2, एफिशिएंसी ऑफ बी 22 को 22 बटा 3 से भाग करें कितना आ जाएगा 3, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 22 बटा, दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी 5, आंसर इज 4 से 2 बटा 5, वेरी वेरी क्लियर। तो इससे घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में अगर टाइम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाए तो वर्क किसको अज्यूम करेंगे, एलसीएम को ही करेंगे। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, होप यू माइट गेट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, सी द क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 10 डेज, अगर ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तो, और ए अलोन कैन डू द वर्क इन 15 डेज, ए अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, मेक द डायग्राम, ए प्लस बी 10 डेज, ए अलोन 15 डेज, फर्स्ट वर्क इज
अज्यूम द वर्क एलसीएम ऑफ द टाइम, वो टाइम किसी का भी गिवन हो, चाहे ए अकेला बी अकेला या ए प्लस बी और ए, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, एज 30। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द एफिशिएंसी, डिवाइड 30 बाय 10, 3 इज द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, 30 डिवाइडेड बाय 15, 2 इज द एफिशिएंसी ऑफ ए, एंड यू नो एफिशिएंसी इज द वर्क ऑफ वन डे। दोनों मिलके एक दिन में तीन काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में दो काम करता है, तो बी विल डू इन वन डे वन वर्क। दोनों की मिलके एफिशिएंसी तीन है, ए की दो है, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वन। तो बी का टाइम क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क इज सेम, वर्क इज 30 नाउ, एफिशिएंसी इज वन, तो आंसर इज 30 डेज। जस्ट लाइक दैट, सिंपल चुटकियों में निकालना आपको वहां पे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल वर्किंग 7 आवर्स अ डे, ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज, बी भी 7 आवर्स करता है। वो कहता है कि अगर 7-7 घंटे एक दिन में काम करें तो ए 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है और बी 8 दिन में, ये आवर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, वो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे अगर वो डेली 8 घंटे काम करे तो। इसमें आवर्स और आगे हैं, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस, घबराना नहीं है। जब स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल मेथड में हमेशा आएगा टाइम। अब आवर्स में गिवन था तो आवर्स में टाइम लेते हैं, डेज में गिवन है तो डेज में टाइम लेंगे, मिश्रण गिवन है तो मिल के टाइम ले लेंगे। ये 6 दिन में करता है डेली 7 घंटे, 7 आवर्स, तो टोटल कितने आवर्स काम करेगा, 42। इसी प्रकार जो बी है, बी डेली 8 घंटे काम करता है, सॉरी 7 घंटे काम करता है और 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, टोटल कितने आवर काम करेगा, 56। टोटल कितने आवर काम करेगा, 56। ओके, नाउ यू हैव टू चूज द वर्क एज द एलसीएम, बट इट नॉट इजी टू फाइंड द एलसीएम, तो व्हाट यू विल डू, फैक्टराइज दिस, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फैक्टराइज आल्सो दिस, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हाउ डू यू टेक एलसीएम, 7 इज कॉमन, 3 हाईएस्ट पावर यू हैव टू टेकन, 3 2 इज हाईएस्ट पावर इज 8, दिस इज द एलसीएम। ओके, जस्ट राइट लाइक दिस ओपनली, एज एफिशिएंसी इज डिवाइडेड बाय दिस, इफ आई विल डिवाइड दिस आई विल गेट 4, यू हैव टू डिवाइड ओपन, 7 एंड 3 विल कट आउट, 8 बाय 4, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4, एफिशिएंसी ऑफ बी विल कम आउट टू बी 3, then total time they will both together do, total work is 7 multiply 3 by 8, efficiency is 7, this means 24, by opening it it will become easy, but in 24 there is day and hours both multiplication because we are taking both here, but the examiner is asking about 8 hours daily, तो डेज विल बी 24/8, 3 डेज इफ दे वर्क 8 आवर्स डेली, वर्क विल बी फिनिश्ड।